Dear students of class 7, welcome to Computer Education chapter number 6, Formula in MS Excel 2007. ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है. टॉपिक होगा इसमें हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस. तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 पे आ रही है. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस. These operators are also given a single output, true or false. तो logical operators जो है इस्तेमाल होता है compare करने के लिए दो relational या दो से ज़्यादा relational expression को compare करने के लिए. तो यहाँ पर operators आपको इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पर single आपको output दे देंगे, या true होगा या वो false होगा. नंबर आइए next 66 पर. लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल, उसमें इस्तेमाल होगा नॉट एंड और. रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला इन एमएस एक्सेल. फर्स्ट, एवरी फार्मूला इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद एन इज इक्वल टू साइन. सेकंड, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स शुड बी यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग ऑन नंबर्स और डाटा. थर्ड, द डाटा कैन बी ए सेल एड्रेस ऑल्सो. तो ये तीन चीजें आपको फार्मूला का रूल है, यानी कि आपको सबसे पहले इज इक्वल टू साइन होना चाहिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकल ऑपरेटर्स होना चाहिए. जब भी कोई नंबर या डाटा आप ऑपरेट करना चाहेंगे वहां पर आपको ऑपरेटिंग किसके साथ करना है, ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स के साथ. और डाटा जो है वो आपका सेल एड्रेस, उसको आपको वहां पर देना पड़ेगा. जिस डाटा को जब जिस सेल में रखा होगा उसका सेल एड्रेस देना पड़ेगा. Examples of some unlogical valid data in MS Excel. पहला आपको देखो is equal to 15 plus 15 multiplied by 8. इसके बाद second is equal to D6 plus A7. D6 आपका cell address है, D आपका column है, 6 आपका row है. इसी तरह से A आपका column है, 7 आपका row है. Third is equal to B15 minus 15, is equal to B5 minus 15. तो B5 आपका सेल एड्रेस है, B5 में जितना भी नंबर आपका डाटा होगा उसमें से आपको 15 माइनस करना है. इज इक्वल टू करके आपको वहां पर ये फार्मूला आपको डालना पड़ेगा. इंटर करते ही आपको क्या मिलेगा, वहां पर जो B5 में आपका नंबर रखा होगा वहां पर 50 रखा है. तो 50 में से मिसाल दे रहा हूं मैं, 50 आपको B5 में आपका सेल में रखा हुआ है, सेल एड्रेस B5 में, तो उसमें से 15 माइनस होकर आपको आंसर में वहां पर 35 आ जाएगा. फोर्थ इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 14. तो 20 जैसे आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, 280 हो जाएगा. वहां पर आपको 20 मल्टीप्लाई बाय 14 का रिजल्ट आ जाएगा. एरर रिजल्ट्स, सम यूजुअल कैरेक्टर एरर रिजल्ट्स एंड देयर रीजंस आर. यहां पर चप्पल हवाज रखा हुआ है, द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर. नंबर को डिस्प्ले करने के लिए आपको आपके कॉलम में वहां पर जगह कम है, तो आप वहां पर कॉलम का वाइड जो है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपको नंबर वहां पर दिखाई देंगे. इसके बाद हाश डिवाइड ऑब्लिक जीरो एक्सक्लेमेटरी, तो यहां पर डिवीजन बाय जीरो होगा, जीरो के साथ डिवाइड किया है जो एक इनवैलिड ऑपरेशन है. इसके बाद हाश वैल्यू एक्सक्लेमेटरी है, एंड इनवैलिड ऑपरेशन हैज बीन अप्लाइड इन द फार्मूला. फार्मूला में एक गलत वहां पर ऑपरेशन हमने डाला हुआ है, हाश एन ऑब्लिक है, तो वहां पर डाटा इज नॉट अवेलेबल, वहां पर डाटा आपने नहीं दिया है. ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, द आउटपुट ऑफ द फार्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स. आपको यहां पर मैथमेटिक ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करना है. वहां पर आपको पहला देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, और उसमें साइड में आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है. पहला आपको बोला है पैरेंथेसिस, दूसरा आपको एक्सपॉन्ड, तीसरा आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एस्ट्रिक इस्तेमाल करना है, डिवीजन के लिए आपको स्लैश इस्तेमाल करना है, एडिशन के लिए आपको प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन.
तो एग्जांपल में किस तरह से करना है, यहाँ पर साइड में आपको दिया है 5 + 5 * 2 = 15 दिया हुआ है, 7 + 2 * आपको यहाँ पर 9 + 3 = आपको 108 दिया हुआ है, 6 + 12 = 4 = 9, 14 + 7 उसको ब्रैकेट में रखा है, फिर उसके बाद स्लाइस दिया है, 3 डिवाइड कर रहा है उसके साथ, फिर इज इक्वल टू आएगा उसमें 7, 5 × 12 + 12 - 10 = 27, 5 * 2 - 16 / 2 = 2। तो ये हो गया तरीका, आपको एग्जांपल दिया आपको प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर में जो जो चीज़ें आपको इस्तेमाल में आना था वो यहाँ पर आपको बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर बोलते हैं कैन यू ओपन एम एस एक्सेल 2010 वर्कशीट इन एम एस एक्सेल 2007, तो हाँ वो ओपन कर सकता है, 2010 का 2007 में ओपन कर सकता है, लेकिन 2007 का 2010 में नहीं कर सकते हैं। नेम द ऑपरेटर्स दैट गिवन रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आपको ऑपरेटर्स कौन कौन से देना है, नॉट, इन और। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉपीइंग फार्मूला, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कॉपीइंग ए फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर, आपको जब एक सेल में आपने फार्मूला डाल दिया तो अब बाकी सेल्स के लिए आपको फार्मूला डालना है, तो उसको फार्मूला को कॉपी किस तरह करना है यहाँ पर आपको यह सिखाया जाता है। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स टू कॉपी ए फार्मूला, एक फार्मूला को कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर ये स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप वन, ओपन ए फाइल हैविंग लिस्ट, एक फाइल जिसमें लिस्ट होगा उसको आपको ओपन करना है, राइट द फार्मूला इन द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में आपको फार्मूला वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, एंड प्रेस इंटर की, फिर इसके बाद इंटर की प्रेस करो, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द कॉर्नर ऑफ ए सेल कंटेनिंग फार्मूला, जिसमें आपने फार्मूला डाल के रखा है जिस सेल में, उस सेल के आपको कॉर्नर पर आ जाना है, नीचे वाले राइट साइड कॉर्नर पर, वी सी दैट द माउस पॉइंटर शेप गेट्स चेंज, तो आपको वहाँ पर माउस का पॉइंटर जो है वो शेप चेंज हो गया होगा, टू ए बेसिक प्लस साइन, बेसिक प्लस साइन में चेंज हो गया होगा, दिस इज कॉल्ड द फिल हैंडल, इसको फिल हैंडल कहते हैं। स्टेप टू, आपको क्या करना है, उसी पर क्लिक एंड ड्रैग उसको क्लिक करना है, फिर इसके बाद ड्रैग खींचना है द फिल हैंडल यूजिंग लेफ्ट बटन टू द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के आखिर तक आपको उसको खींचना है, द डॉट लाइन अपीयर्स, वहाँ पर डॉट लाइन आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, विच डिस्प्लेस द सिलेक्टेड सेल्स, यहाँ पर सिलेक्टेड सेल्स आपको दिखाया जाएगा, फिर जो ही आप वहाँ पर क्लिक को छोड़ देंगे और माउस बटन को छोड़ देंगे तो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली फार्मूला वहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम आगे आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कल। तो डियर स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।